आसवी, मैं आपको आसवी कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको तवा कीमा बनाना सिखाऊंगा। इस तवा कीमा की डिश के अंदर जो मैं कीमा यूज़ कर रहा हूँ वो मटन का है, यानी कि बकरे के कीमे के साथ आज हम तवा कीमा बनाएंगे और इसके अंदर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मुझे पर्सनली तवा कीमा बहुत पसंद है, तो मैं तो जब भी कीमा आता है तो उसे इसी फॉर्म में बनाकर खाता हूँ, तो मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। इसलिए किरण ने आज मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप खुद तवा कीमा ये बनाएं, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर अब तवा कीमा बना रहा हूँ। और ये स्पेशल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बना होता है उसके अंदर काली मिर्च के अंदर। इसके अंदर मैं लाल मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, तो ये काली मिर्च के अंदर बनता है, तो बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। आज मैं बना रहा हूँ मटन का कीमा। आप इसी तरह चिकन का कीमा बना सकते हैं, इसी तरह आप बीफ का कीमा बना सकते हैं, कोई प्रोसीजर फ़र्क नहीं है। सिर्फ मटन और बीफ के कीमे में एक मसला होता है, थोड़ा सा इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जो चिकन का कीमा है वो जल्दी भुन जाता है या पक जाता है, तो बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी जल्दी हो तो आप इसे पहले प्रेशर कुकर में बना लीजिए ताकि ये अच्छे से गल जाए, उसके बाद आप फिर इसे तवे के ऊपर बना लीजिए। तो मैं भी आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैं भी आज पहले से प्रेशर कुकर में बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसे मैं अपने तवे के ऊपर शिफ्ट कर लूँगा। चलें देखते हैं जल्दी से कि तवा कीमा कैसे बनता है, और जब आप बनाएं तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपका कीमा कैसा बना है। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। चलें आप जल्दी से इसके अज्जा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा डलेंगे। इसमें जो अज्जा इस्तेमाल होने हैं वो दर्जा से आ रहे हैं। ये कीमा मैंने लिया जी, कीमा मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब है जी, ठीक है। ये फ्रीज़र में जमा हुआ ज़रा इसलिए नहीं लग रहा। इसके अलावा दो बड़ी प्याज मैंने ली हैं, उन्हें मैंने स्लाइस की फॉर्म में काट लिया। एक टमाटर है जी, दो हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट के दो चम्मच होंगे, हल्दी आधा चम्मच है, गरम मसाला 1/4 है टेबलस्पून। उसके अलावा ये सूखा धनिया, ये भी तकरीबन आधे चम्मच के करीब डलेगा। इसके अलावा नमक है, नमक हसबे जायका होगा, लेकिन इसमें मैं नमक डाल रहा हूँ आधे चम्मच के करीब। उसके बाद काली मिर्च है, क्योंकि इसे काली मिर्च में पका रहे हैं तो काली मिर्च हमारे पास आधा चम्मच है। अब देखते हैं इसे किस तरह बनाएंगे। इसके लिए मैं क्योंकि ये मटन है और मटन और बीफ का ये होता है कि इसका गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पहले इसे मैं गालूंगा अपने प्रेशर कुकर के अंदर, उसके बाद इसे तवे के ऊपर शिफ्ट करूंगा। चलें देखते हैं आप क्या करना। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर प्याज डालने लगा, ये प्याज मैंने डाल दिया, टमाटर है टमाटर डाल दिया, इसके अलावा ये कीमा है कीमा मैंने डाल दिया। कीमा डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम तकरीबन दो चम्मच डाल देंगे। उसके अलावा इसके अंदर आप एक गिलास पानी का मैं ऐड करूंगा, ये तकरीबन पौना गिलास है, मैं वो इसके अंदर पानी का डालने लगा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये नमक है, नमक डालने लगा हूँ, हल्दी है, हल्दी डालने लगा हूँ, उसके बाद ये सूखा धनिया डालने लगा हूँ, बाकी जो काली मिर्च है वो मैं एंड पर डालूंगा और सब्ज़ मिर्च वगैरह। अब मैं इसे बंद करके चूल्हे पर पकने के लिए रख दूंगा तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। अब ये इसे पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोल कर देखता हूँ कि अब आप इसकी पोजीशन क्या है। ये देखें जी, ये अब तकरीबन मेरा ख्याल डाल चुका है। अब इसे मैं निकालूंगा और बाकी हम प्रोसीजर तवे के ऊपर करेंगे। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसको निकाल कर तवे के ऊपर। ये देखें जी, अब मैंने इसे शिफ्ट कर लिया। इसके अंदर पानी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली,
ये जो पानी पहले ही हमने वो पौना ग्लास डाला था तो उसी का ही पानी इसमें से निकला। अब इसे तवे के ऊपर ही हम सुखाएंगे। कीमा हमारा तकरीबन 70% गल चुका है, अब जो बाकी कीमा गलेगा वो तवे के ऊपर सारे का सारा होगा। ठीक है जी, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन देने लगा हूँ। अब ये देखें, मैं इसके ऊपर ढक्कन देकर इसे 5-6 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। पानी इसका खुशक हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम घी डालेंगे और इसे पकाएंगे। अब जी 5 मिनट हो गए, अब मैं इसे देखता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। ये देखें, इसका पानी वगैरह सारा सूख गया। तो आप इसे ना थोड़ा सा हिला कर मैं देखता हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना घी, ऑयल, जो भी चीज़ आप डालेंगे। ठीक है जी, वो अब मैं इसके अंदर डालने लगा, वो मैं तकरीबन डालूंगा आधा कप से थोड़ा सा काम। अब इसे हम भूनेंगे 5 से 10 मिनट, इसे हम भूनेंगे। अब उसके बाद इसके अंदर आपने दही है तो दही डाल दें, कोई और चीज़ डालनी है तो वो डालें। तो और चीज़ से मुराद टमाटर, मैंने टमाटर इसमें एक ही डाला था इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर दही डालनी थी। अब 5 मिनट हो गया तकरीबन इससे पहुँचते हो गए। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर दही डालने लगा हूँ। ये दही है, ये मैंने डाल दी दही, मैंने तकरीबन 50 ग्राम डाली है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालनी। और इसे मैं इसके अंदर रख कर दोबारा भूनूंगा। अब मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी चॉप की हुई हैं, उसके अलावा अदरक मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है, वो इसके ऊपर डालेंगे, गार्निश करेंगे साथ में। हरा धनिया आज मेरे पास नहीं था फ्रेश, तो वो मैं नहीं अब डाल सका, लेकिन आप अगर चाहें तो हरा धनिया भी डाल लेंगे एंड पर गार्निश करने के लिए, उसका भी ज़रा बेहतरीन सा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पर इस जगह पर मैं इसके अंदर अब काली मिर्च ऐड करूँगा। साठ पर नहीं डालनी क्योंकि अभी डालेंगे फ्लेवर बन गया। ये अब मैं काली मिर्च ऐड कर रहा हूँ। ये भी आपने हंसते ज़रूरत डालनी है क्योंकि ज़्यादा डालें तो ये भी जलन करती है सीने के अंदर, इसलिए मैंने तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डाला। बाकी आज अगर लाइक करते हो तो आप ज़्यादा या कम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। थोड़े हैं जी, बेहतरीन तवा कीमा तैयार हो गया, वो भी मटन के साथ। कीमा जौन सा मर्जी हो, चिकन होगा, बीफ होगा, मटन होगा, वो इसी तरह ही पकेगा। सिर्फ मटन और बीफ का ये है क्योंकि ये कुछ टाइम लेते हैं थोड़ा सा गलने पर। वैसे कीमा जो है वो तवे के ऊपर गल जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है इस बार, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसे पहले प्रेशर कुकर में किया और उसके बाद मैंने इसे तवे के ऊपर, ताकि मेरा टाइम बच जाए। आप इसे डायरेक्ट भी पानी डालकर बना सकते हैं, बन गया। ये उन भाइयों के लिए है ख़ास तौर पर जो छड़े हैं या जिनकी बीवी मेके गई हुई है या घासी गई हुई है लड़के, तो वो बेहतरीन पकाएं कीमा घर के अंदर, बाजार से रोटियां पकड़ें और इंजॉय करें। अब ये तकरीबन भुन चुका है, इसे मैंने 4-5 मिनट मजीद भुना है तेज़ आंच के ऊपर। अब मैं इसके अंदर हल्का सा पानी डालूंगा ताकि इसकी लास्ट बन जाए और आप रोटी से थोड़ा सा लगा कर खा सकें। ये ज़रूरी नहीं है, आप जितना भी तैयार हो गया था आप उतना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा रखना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं रख दिया। अब इसे थोड़ा सा मैं करूँगा दोबारा और उसके बाद मैं इसके अंदर अपना अदरक जो मैंने लंबा लंबा काटा और सब्ज़ मिर्च। अब ये देखिए यहाँ पहुँच गया, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें और अदरक लंबा लंबा काटा है।
ये मैं उसके ऊपर ये देखें इस तरह डाल दूंगा। ये हो गया जी, और साथ में ये अदरक, इसका अपना ही मजा है जी, टच लें जी। अब इसे मैं एक आधे मिनट के लिए ढक्कन देकर ऊपर हल्का सा इसका ताकि कलर अच्छा सा बन जाए इसे ढांप कर रखूंगा। आंच नीचे से बिल्कुल मैंने हल्की कर दिया और दो तीन मिनट बाद ये बेहतरीन हो जाएगा। अब ये जी दो तीन मिनट गुजर गए, अब मैं इसे ऊपर से हटाऊंगा। ये देखें जी बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला इसके ऊपर ऐड करूँ। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ये एक्चुअली चैनल तो कुकिंग विद किरण है, किरण का चैनल है। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। लें जी तबा कीमा हमारा और रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा और बनाने में भी ये बिल्कुल आसान है। कोई इसमें इतनी बड़ी गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि आप नहीं बना सकते, कोई भी बना सकता है ये। ख़ास तौर पर वो लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और पकाने वाला नहीं है, तो वो ये बहुत आसानी से और जल्दी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लें जल्द मिलेंगे आपको फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको डिश कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।